दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो जन आधार कार्ड है उसके अंदर हम मेंबर को कैसे डिलीट कर सकते हैं। अब फिलहाल जो प्रॉब्लम आ रही है हम लोगों को वो आ रही है फैमिली ई केवाईसी के अंदर। हमें फैमिली ई केवाईसी हमारे पूरे सदस्यों की करनी पड़ रही है। इसमें होता क्या है कि जन आधार के अंदर कोई डुप्लीकेट नाम हो। डुप्लीकेट नाम का मतलब होता है एक एक ही नाम के एक और नाम हो, एक ही नाम का दूसरा नाम हो और उसके अंदर आधार कार्ड लिंक ना हो। तो अब आधार कार्ड उसके अंदर लिंक नहीं होगा तो हम फैमिली ई केवाईसी भी नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। क्या हम बिना मृत्यु प्रमाण पत्र के क्या हम मेंबर को जन आधार कार्ड से डिलीट कर सकते हैं? कोशिश यही करेंगे कि यहाँ पे ये सफल हो। सबसे पहले यहाँ पे बात कर दूं, जो डिलीट मेंबर का ऑप्शन है वो सिटीजन पोर्टल पे नहीं है। आपको बताइए, जन आधार के अंदर किसी भी कार्य को करने के लिए एक पोर्टल अलग से सिटीजन के लिए बनाया गया है। जैसे आप कोई लोग से सिटीजन हो तो आप आसानी से उसके अंदर काम कर सकते हो। अपना यहाँ पे फैमिली इनरोलमेंट वहां से देख सकते हो। वहां पे आप ऐड मेंबर का भी वहां पे एक ऑप्शन मिलता है, ठीक। अपलोड डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन मिलता है, इनरोलमेंट एडिटिंग का ऑप्शन मिलता है, अप्लाई अपील का एक ऑप्शन मिलता है, फैमिली ई केवाईसी का एक ऑप्शन मिलता है, ट्रांसफर फैमिली का एक ऑप्शन मिलता है और स्प्लाइट फैमिली का एक ऑप्शन वहां पे मिलता है आपको सिटीजन पोर्टल पर। तो आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि कोई भी व्यक्ति है उसको डिलीट करेंगे तो कैसे करेंगे। डुप्लीकेट मेंबर है उसको डिलीट करेंगे तो कैसे करेंगे। इसके लिए डिलीट वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर सिंपल सा हमें चले जाना है, ठीक। इसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पे रेड के अंदर हाईलाइट कर रखा है कि सदस्य निरस्त करने के बाद में निरस्त किया हुआ सदस्य किसी अन्य परिवार में जोड़ा नहीं जाएगा। अगर आप निरस्त किए हुए सदस्य को किसी अन्य फैमिली में जोड़ना चाहते हैं तो फैमिली ट्रांसफर मेन्यू का उपयोग जो है ऑप्शन है वो प्रयोग ले। अब आपको बता दूं, गलती से भी आप नाम डिलीट कर देते हो, ये नहीं है कि यहाँ पे नाम वापस नहीं जुड़ेगा, वापस ठीक उसी फैमिली के अंदर जुड़ेगा जिस फैमिली से आपने डिलीट किया है। तो उसी फैमिली के अंदर जोड़ के ठीक उसके बाद में ट्रांसफर फैमिली का ऑप्शन यूज देना है, यहाँ पे स्प्लाइट फैमिली का ऑप्शन यूज देना है। मेरी बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी है तो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक की स्प्लाइट कैसे करते हैं फैमिली को और फैमिली मेंबर को ट्रांसफर कैसे करते हैं, ठीक। उसके बाद में दो नंबर पे हाइड करके रखा है कि यदि आप सदस्यों को हटाकर जन आधार में नया जन आधार कार्ड बनाना चाहते हैं, ठीक है, चाहते हैं तो कृपया स्प्लाइट फैमिली, तो जिन मैंने बता दिया स्प्लाइट फैमिली का, ट्रांसफर फैमिली का जो विकल्प है ऑप्शन है वो यूज करें और डिलीट मेंबर का जो ऑप्शन है वो उपयोग सिर्फ सदस्य की मृत्यु अथवा राजस्थान से बाहर शादी के कारण सदस्य को जन आधार कार्ड से स्थायी रूप से हटाने के लिए है। तो कोई और ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए, डिलीट जो है हम कर रहे हैं डुप्लीकेट मेंबर को, तो यहाँ क्या करेंगे, जन आधार कार्ड नंबर डाल के खोजे पे क्लिक करेंगे, ठीक। उसके बाद में ऑथेंटिकेट करेंगे, ठीक। यहाँ पे आपको बताइए, आप इन तरह क्यूरियोसक के होंगे जो वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे आप सिटीजन देख रहे हो तो भी आप ध्यान में रखना कि किस तरह से यहाँ पे हम प्रोसेस करते हैं, ठीक। यहाँ पे किसी मेंबर को सेलेक्ट करना जिससे हमें वेरीफाई कराना है, ठीक, वो 18 वर्ष से ऊपर होने चाहिए और यहाँ पे जो दिखेंगे मेंबर वो 18 वर्ष से ऊपर ही होंगे। क्योंकि ये ऑप्शन क्यों लाया गया है, क्योंकि छोटा बच्चा भी कहीं जाता है, एडिटिंग करवा लेता है, गलती से भी जन आधार कार्ड अंदर कुछ गलत करवा देता है तो प्रॉब्लम हो सकती है, हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है 18 से ऊपर वर्षों का जो है यहाँ पे ई केवाईसी के लिए मान्य किया है, योग्य है वो ई केवाईसी के लिए, ठीक। हमें एक सदस्य को सेलेक्ट करेंगे जिससे हम जन आधार कार्ड को वेरीफाई करेंगे, ठीक। ई केवाईसी आधार पे क्लिक करेंगे, ठीक। यहाँ पे आपका ऑप्शन ओपन हो जाता है, इस तरह से लोड होगा, ठीक। यहाँ पे बायोमेट्रिक या ओटीपी से आप कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे वेट करेंगे, ठीक। यहाँ पे मैं बायोमेट्रिक का जो ऑप्शन है वो यूज ले रहा हूँ, यहाँ पे बायोमेट्रिक में दे रहा हूँ, ठीक। उसके बाद में कैप्चर हो गया सक्सेसफुली और ठीक उसके बाद में ये ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में देख सकते हैं कि सदस्य डिलीट या निरस्त क्या ऑप्शन आ गया, ठीक। जिनके आधार कार्ड नंबर आ गए, जिनका आधार कार्ड नंबर नहीं होगा वो यहाँ शो कर देगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का नंबर शो नहीं करेगा। और ओनली यहाँ पे देखिए, जिनका आधार कार्ड नंबर है उनके पीसी का डिजिट शो कर रहा है प्लस है आधार कार्ड नंबर, लेकिन जिनका नहीं होगा तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करेगा, ठीक है। सिर्फ नाम शो करेगा, पिताजी का नाम ये शो करेगा, डुप्लीकेट नाम होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ऑप्शन जब भी हम सेलेक्ट करते हैं किसी मेंबर को डिलीट करने के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं दो ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं।
जो दो ऑप्शन है वो सिर्फ है एक मृत्यु, मृत्यु का ही है एक ऑप्शन, राजस्थान में मृत्यु या राजस्थान के बाहर मृत्यु, और कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, देख सकते हैं कोई भी ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये होना चाहिए था एक ऑप्शन। वहां पे नोट में भी लिखा हुआ था कि यदि राजस्थान से बाहर कहीं विवाह हो जाता है तो वहां पे ये ऑप्शन होना चाहिए था, राजस्थान से बाहर भी विवाह हो सकता है तो वो ऑप्शन होना चाहिए, जिससे क्या है एनओसी मिल सके उसे, तो वो भी ऑप्शन होना चाहिए। तो वो ऑप्शन होगा होता तो शायद हम डिलीट कर पाते, लेकिन क्या हम इसको भी डिलीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए राज्य के ऊपर हम क्लिक करेंगे राज्य में। इसके बाद में दोस्तों हमें डेथ सर्टिफिकेट नंबर तो मिलता ही नहीं है कहीं, क्योंकि डेथ हुई नहीं है किसी की, तो डेथ सर्टिफिकेट नंबर कहाँ से आएंगे। हम दूसरा डाल भी दे तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे हम यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाए। ठीक है, देखे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि जिनका डेथ सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे ठीक उनकी डिटेल्स यहाँ पे शो करेगी, यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है। सरकार का कोई यहाँ पे व्यक्ति वीडियो देख रहा है तो मेरी उससे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन दिया जाए जिसके अंदर डुप्लीकेट मेंबर डिलीट करने का भी ऑप्शन हो। ठीक, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए जाने चाहिए। ओनली मृत्यु का क्या ऑप्शन, मृत्यु का क्या मतलब है, किसी की मृत्यु होगी तो ही डिलीट होगा, तो जो खामियां उनको पूर्ण किया जाए। कई कह रहे हैं कि यहाँ पे पंचायत समिति के अंदर हो जाएगा, तो कहीं भी एक ऐसा ऑप्शन नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन हुआ था मैंने देखा था। क्या किया था मैंने, किसी का नाम यहाँ पे डबल जोड़ दिया था जिनका मतलब ये नाम सेम डाटा। अब ये आपको ध्यान रखना, जो आपका डुप्लीकेट नेम है वो सेम डाटा के साथ होना चाहिए, ठीक सेम डाटा, सेम जैसा सेम डाटा होगा तो वो सिस्टम डिलीट करेगा आपको। मैं बता दूं सिस्टम डिलीट कर सकता है आपको, अपडेट नहीं होगा। अब बात करें अपडेट नहीं करोगे तो सेम डाटा कहाँ से होगा, यदि कोई डाटा के अंदर मिसमैच होता है, जैसे नाम है, पिताजी का नाम है, डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा बहुत मिसमैच तो होता ही है, थोड़ा बहुत मिसमैच होगा तो यहाँ पे डिलीट नहीं होगा। तो पंचायत समिति में भी कोई ऑप्शन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो फिलहाल जो है ये ऑप्शन लाना चाहिए। और डुप्लीकेट मेंबर ऑटोमेटिक डिलीट होते हैं, तो मैंने कह दिया कि नाम मैच होने चाहिए आपस में, तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। अब एडिट ही नहीं होगा तो यहाँ पे मैच तो किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, यहाँ पे यही आपको पता चला कि यहाँ पे किसी भी तरीके से हम नाम को डिलीट नहीं कर सकते। डेथ सर्टिफिकेट किसी का ले आएंगे तो भी यहाँ पे क्या है कि जब देख के पे क्लिक करेंगे तो ठीक यहाँ पे उसकी डिटेल्स शो कर लेगी कि हाँ भाई जो जन्म आधार के अंदर डिटेल्स है वो क्या मृत्यु प्रमाण पत्र के अंदर डिटेल है कि नहीं है, तो वो आपको जरूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, यहाँ पे सरकार से यही गुजारिश रहेगी कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी ऑप्शन यहाँ पे ज्यादा जोड़ जाए। थैंक यू।